काटना है, पानी भी बनाना है, सालन भी बनाना है। मुबारक थी मैंने तो मदी चने पे बोला। खैर मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये बड़े बड़े खंबे जो है ना वो लगे हुए हैं। मेरा अल्लाह नेक लोग के नसद के सारे तमाम घर है तेरा रहमत बनो जो फुल अल्लाह को मत मान कोई लोग पेश ना दे मेरा अल्लाह ये तरीका है जी खोलने का। अभी जो है ना मैं आया हुआ हूँ अपनी सास और सौरे के घर। इतने रात के टाइम आया हुआ हूँ, सूरज जो है ना वो बिल्कुल यहाँ पे ऊपर है। तो अभी माशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम। कठे था से कित्ता। हां हां तांदे जो ते अन्य मेहमान चाहो ई में कठे से मोबाइल तक कठे करना से ना तेरे पास करना मेरे पास आ यार। ओ कठे भला वाक्सन क्यों नहीं गल करी पाता, कोई रोला है? कई रोला का नहीं सारा अल्हम्दुलिल्लाह सुल है। और ए मड्डी चने पनी थू आज तो सा तैयारी करो मड्डी चने पे सा इंशाल्लाह। मुबारक थी मैंने तो मदी चने पे बोला। खैर मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम सही सोने ठीक है खुश है तकड़ा है नाक तेरा ओ कान तेरा साफ है माशाल्लाह। मैं दिखा देते सारे को। अच्छा ठीक है पक्की माशाल्लाह। हां कल की पक्की किता है से इंशाल्लाह। कल शायद पिछले टाइम उठाना शुरू करेंगे सामान। गर्मी के ये हालात है रोजे में तो नहीं उठाएंगे, रात को हम उठाएंगे। सारे बंदों को इनवाइट करेंगे इकट्ठा करेंगे फिर इंशाल्लाह मड्डी चाहेंगे। आप जाओ उससे सामान ओ मजे की गाल है सामान चावन गए तो गाड़ी तला के। हाँ भाई जान चाह ही सामान सामान जो है ना वो लेने गए थे शहर में मतलब अफ्तारी वगैरह के हवाले से और फ्रूट वगैरह और ये माशाल्लाह लेके आ गए हैं। ए मोटे किन्नू मेरे वाले थे ना या आपके थे? बस ए मोटे किन्नू मैं देन क्योंकि वो जहाँ जहाँ से मैंने ये मैं देन खीरे थे कद्दू यार एक को क्या थ्या करे टेप टेप कर दिमाग तेरा पर या देखो ना हारश तो हिक हो जाए हूँ बंदा क्या करे चे तेरा। लेकिन शुक्र है मेरे पास निब्बू है ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਹੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇ ਜਾਵੀ ਹਨ ਤੇ ਦੇ ਮਿਕਸ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਮਿਕਸ ਕੀ ਦੇਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਾ ਚੱਲ ਅਲਾਇਦਾ ਵੀ ਅਮਰੂਦ ਹਨ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦੇ ਅਮਰੂਦ ਹਨ ਹਾਂ ਕਿਲੋ ਹਨ ਕਿਲੋ ਹਨ ਇਹ ਮਾਲਟੇ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਵੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇ ਦੇਨ ਤੇ ਦੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਅੱਛਾ प्यारे बहन भाई हो जितना मैंने सामान लिया इसने थोड़ा थोड़ा लिया अब ना जो थोड़ा थोड़ा लिया था वो रखा है जो मैंने ज्यादा लिया था वो सारा ये उठा के दो तीन बंदे अपने बच्चों को बुला लिया अपनी वाईफाई को खुद शुरू हो गया सारा सामान खाली कर दिया गाड़ी से। तुसा खावने नवी सब्जी की कद्दू शरीफ इको जाए कि से मेरे भी ये है लांबड़ू है आज तो थोड़ सूखे हुए दिन सारे खुशकी वाला हवा आज गर्मी बहुत है और सूरज में हम काम करते रहे पंखे की हवा हम ना बेल चेक करवाते रहे सूरज की लाइट पे बैठ के फिर मोटरसाइकिल पे भी सफर किया किवे मोटरसाइकिल पे किया है फलास लेने गए थे। हाँ जी वो न्यू मकान का ना सामान वगैरह जो लेना था ना वो लेने गए थे। हाँ मुंशी तेरा क्या हाल है? हैं तेरा क्या हाल है? मेरा हाल यो है तू मरती खुद ढेट दे वेज वाट हाल। अच्छा वाट इतना वाट हाल हूं कुछ वाट कर रहे हैं। चलो हो आए हो आया हूं मुर्दा खाने। हां जी अच्छा। तो शायद जो है ना कुछ मैंने कहा कि कोई रेस्ट कर लो। सही है नहीं रेस्ट ना करो अभी हम चलते हैं घर जाके ना रेस्ट करते हैं।
घर चलते हैं क्योंकि वो रक्षे पे सामान भी आ रहा है ना। हमने कहा छुट्टी, हम आज रात भी नहीं सोएंगे, कल दिन को सोएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आज रात टेप टेप करे सो, करे सो। तू पहले अपने पैर को समझा। ए सवेरे वाले को वाइस सुनावी जड़ी तय वाइस कीती है ना, मुंह धोए ना पाई वाला, मैं जवाब दीते वाला मोबाइल उंदे कने, हम जवाब तू सुन। हाँ हाँ कल्याण को सुना देवी। ये तरीका है जी खोलने का, माशाल्लाह। आज तो भाई अफ्तारी जबरदस्त। और अम्मी जान आज पकाने के लिए पता मैं क्या लेके आया हूँ? कद्दू शरीफ। खुश हो? चेहरे पे रौनक आ गई है आपके, माशाल्लाह। सोनी भी लग, सोनी भी लग रही हो। नहाया शाया तैयारी शरी की है मेरे? नहाया नहीं, मैं नमाज अदा करके हो रही हूं। अच्छा, नमाज का नूर है तेरे चेहरे पे। ये अच्छा, सामान सारा ले आया कि बड़ा है अभी? दही भी ले आओ, वो जल्दी फ्रिज में रखो, फ्रिज चला भी दो क्योंकि उसका ज्यादा मसला है यार धूप में। मैं फ्रिज बल के चला देता हूँ जल्दी से। आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी ठीक हैं, आप सब बहन भाइयों की दुआ है। तो मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को दसवां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। और दसवां है ना, तो अभी जो है ना करीबन 4 का टाइम है और हम जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह नींद पूरी करके उठ चुके हैं। और अभी बना रहे हैं हम चावल, क्योंकि आज 11वीं शरीफ है तो हमने 11वीं का ख़त्म भी देना है। और सब्जी वगैरह जो है ना, जैसे कि मेरी आई रखी है सारियाँ सब्जियाँ और फ्रूट, और मेरी फेवरेट ये देखें, ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है जो कि मैं बड़े पसंद से खाती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद आज सब्जी देखते हैं कि जनाब क्या लेके आए हैं। ये सर धनिया, लीमू, और लीमू भी इतने लेके आया है। ये ना आजकल मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है तो जो चीज़ भी रखते हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं। अब फ्रूट हमारे बच्चे में तो वो ख़राब हुए पड़े हैं, इतनी मतलब कि मौसम चेंज हो गया। हाँ जी वाह, आज तो माशाल्लाह से समझदारी वाला काम किया, ठंडी सब्जी लेके आए हैं मज़ेदार। ये हैं छोटे छोटे कद्दू, बहुत प्यारा। तो जी अभी जो है ना हमने टोकरी उठा ली है जो कि फ्रूट ख़राब हुए पड़े हैं, और एक रात जो है ना वो नहीं मतलब कि सही रहता है, इतनी ज़्यादा मौसम चेंज हो गया है। तो अभी जो है ना मैं इधर से वो बिस्मिल्लाह, मेरा कद्दू शरीफ जो है ना नीचे जा रहा है, उसको शौक है नीचे खेलने का। अभी जो है ना इधर से देखते हैं कोई टमाटर वगैरह तो नहीं गला हुआ, क्योंकि अगर वो एक गला हुआ होगा ना फिर सारों को जो है ना वो गला देगा। नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टमाटर बिल्कुल अच्छे से रखे हैं, और एक टमाटर ख़राब हुआ पड़ा था वो मैंने उठा लिया है, और किन्नू जो है ना वो दो ख़राब थे और अमरूद भी दो ख़राब थे, इनको रखते हैं इधर और यहाँ से ये उठाते हैं। इधर से जो है ना हमने वो निकाल लिए हैं अदरक लहसुन, और इधर मैं खीरे जो है ना वो रख देती हूँ ताकि शॉपर में रख के रखे ये ख़राब ना हो जाए। और अम्मी जान को मैंने कहा मैंने कि मैं ना सब्जी आपको दे देती हूँ आज, जब तक मुझे सब्जी काट है, और मैं जो है ना जल्दी से चावल बना लेती हूँ। आज हम बना रहे हैं मटर पुलाव, थोड़ा सा मैंने कहा मटर पुलाव बना लेते हैं, तो रोज़ा अफ्तार इसी से आज करेंगे। सब बहन भाई कॉमर्स करते हैं कि आप लोग जो है ना जब से माहिर आ रहे हैं चावल नहीं बनाते, क्योंकि हम तो एक ज़्यादा शौक से नहीं खाते, और दूसरा अफ्तारी के टाइम सहरी के टाइम चावल नहीं खाने चाहिए क्योंकि वो होती है खुश्की हो जाती है इसी वजह से। लेकिन और कोई मसला नहीं है, चावल में से खाते तो हम शौक से हैं लेकिन इतनी शौक से भी नहीं खाते। और मज़े की बात तो ये है कि हम चावल का है ना मेरा सारा मुँह सूज जाता है, एलर्जी हो जाती है सारे मुँह पर। हमारे सारे मटर जो है ना वो सूखे हुए हैं, शुक्र है आज अबू जान ने कह दिया कि कुछ बना लो अच्छा सा, वरना ये तो हमारे जाये हो जाता है, क्योंकि आलू मटर आजकल शौक से खाते नहीं है। और ये लेके आए थे ओ बिस्मिल्लाह, हमारे
हमारा हीरा जो है ना वो आ चुका है शोर करने के लिए। क्या खीरा खाना है? खीरा खीरा आपने तो रात रोजा रखा था, रोजा रखा था ना हथन जानी, रोजा रखा था तो फिर अभी रोजा इफ्तार कर रहे। ओ अभी जी हसन जानी जी है ना रोजा इफ्तार करने लगा है क्योंकि इसका टाइम हो चुका है और खीरा लेके जा रहा है। हसन ऐसे करो हसन, अभी वो खीरे में मसरूफ है। हाय ये खीरा मुझे दो, मैं आपको आधी हद कर दो, ये लो ये खाओ और ये रख लो। ओके जाओ चलो जी, मटन निकाल लिए हैं और अभी इधर जो है ना मैं कुछ और डाल देती हूँ। क्या रखे? हाँ ये टमाटर हैं और हमारे टमाटर थोड़े से पड़े हुए थे और सारे पक्के हुए थे और मेरे जनाब आज दोबारा से कच्चे कच्चे टमाटर लेके आए हैं। आज तो मैंने सालन में बहुत ज़्यादा टमाटर डालते हैं इसी वजह से। वाजी वाह देखें बहुत ज़बरदस्त। अच्छा जी उसके बाद रहते हैं हमारे फ्रूट, तो इनको जो है ना हम कोई प्लेट्स में रखते हैं क्योंकि ये शॉपर में गल जाएंगे, तो उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह पकाना। ये कद्दू शरीफ पहले मामा साहब को दे दूँ। ये टोकरी भी अम्मी जान को दे देते हैं, अम्मी को कहते हैं हमें मटर काट दो। आ जाओ अस्सलाम वालेकुम। इधर अबू जान भी बैठे हैं, अम्मी जान भी बैठे हैं, दोनों सुनाए कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बी एस सी ठीक है? ठीक है। रोजा कैसा जा रहा है अबू जान? आज कुछ गर्मी महसूस सही है, आज मौसम बाहर जो है ना काफी मतलब ये गर्मी है तो आज आवाज बहुत चले खड़े है। देख हवा अभी अभी बंद हो गई है, हवा अभी बंद हो गई है, सुबह थोड़ी थोड़ी थी और अभी जो है ना बंद हो गया है। और अम्मी आपके पास एक काम था, ये सब्जी तो काट दे मैं जाकर काम था, मैं नमाज को सिर्फ 5 मिनट मैं चलो नमाज अदा करके फिर मैं खुद भी जा रही हूँ नमाज पे, फिर नमाज अदा करके मैं मिसाला काट के चावल बनाऊंगी। आप जब तक सब्जी काट देना, मैं चावल को दम लगा के फिर सब्जी बना दूंगी। कल कनु असली हादसे पिछले मौसम से ना ऊपर पर। हाँ ऐसे ही है, अब वो कह रहे हैं कि जो 10 दिन पहले माहिर रमजान था ना तो वो कुछ अलग सा था, लेकिन आज से जो शुरू हुआ है ना वो जो मतलब कि पिछले साल गुजरा है फुल गर्मियों में तो आज कुछ उसी तरह का ही मौसम हो गया है। तो आज गर्मी बहुत ज्यादा थी, अबू जान आपको पता है कि कमजोर सा बंदे हैं, शुगर के मरीज हैं, तो इसी वजह से अबू जान को कुछ पता चला है कि आज रोजा जो है ना लग रहा है गर्मी है, इसी वजह से अबू जान बता रहे हैं। मुंशी साहब आप सुनाओ आपका रोजा कैसा जा रहा है? गर्मी शर्मी तो नहीं लगी आपके मामू? तो बिल्कुल मामू को ना सुबह का जो उन्होंने जब रोजा नहीं था ना तो उसको रविया चढ़ गई, तो सारा दिन हम काम करते रहे तो ऐसे वधा रह गया। फिर वापसी हम आए तो मुझे कहता है मुझे आप जाए काम संभाले। अच्छा। तो मैं तो सो रहा हूँ भाई। अच्छा। मेरी आगे नहीं इतने सुस्ते थे इतने फुर्सत नहीं लगती जो मैं वो अम्मी आके सोया है बेड पे, मैंने उसकी जब शक्ल देखी ना इतनी ब्लैक हो गई थी, इतनी वो होंठों पे जो है ना ये सूखी रवियां थी, फिर मैंने दुपट्टा अपना उठाया फिर उसको गीला किया फिर ऊपर डाला जोर से ना धारे लगा रहा था, फिर मैंने दुपट्टा डाला फिर कुछ ठंडी हवा जैसे लगी है ना फिर सुकून से सो गया। और हसन जानी इधर अबू जान से मस्तियां करता है, इधर मुंशी से मस्तियां करता है। खीरा खा गए? मुंशी को जाम बंद है अपनी मार मार के मलाई को आधे बाजरों को जाम पाया को बोला हाल देना जाम भाई मुंशी को चले ये है खीरा हसन ये है खीरा नहीं खाओ चलें जी अभी जो है ना हम चलते हैं खुद जल्दी से मिसाला करते हैं जब तक अजान होना शुरू हो जाएंगे फिर नमाज अदा करते हैं उसके बाद फिर इंशाल्लाह। अभी हमने मटर भी जो है ना जोड़ने हैं। उई इधर जो है ना फुल गर्म पानी है, फुल जैसे हम खुद बॉयल करते हैं ना उसी तरह का है,
और मुझे पता नहीं था कि ये गर्म होगा, मैंने हाफ जो है ऐसे कुछ बहुत अंदर डाल दिया भाई यार, और टमाटर को भी गर्म पानी से धो लिया। चलो जी पानी टमाटर जो है ना हमने धो लिए, कुछ फ्रेश हो गए हैं और पुराने भी हो गए हैं क्योंकि फूले फूले हुए पड़े थे, मतलब ये सख्त हो गए हैं, नरम थे, तो अभी जो है ना इनको जल्दी से काटना शुरू करते हैं। मुंशी एक एक काम करोगे, एक काम करोगे पता है। मेरे साथ जल्दी जल्दी मटर तो निकलवा लो, दो बंदे हो जाएंगे ना फिर जल्दी निकल जाएंगे। हाँ मरका सारी छुरी ना की नहीं होता है, ये छुरी सीखी है। अभी जो है ना मैंने हसन जानी को बुलाया है और इतनी जोर से उसने मुझे आवाज दी है, हसन हसन आपको दशनासी कार्ड। अभी जो है ना मैंने मटर जो है मुंशी भैया को दे दी है, मैंने कहा आप बनाते रहो और हसन जानी जो है ना वो आपका साथ देगा, मैं नमाज अदा कराती हूँ फिर मैं खुद बनाऊंगी फिर आपने नमाज अदा करनी है, तो मुंशी भैया ने कहा बिल्कुल ठीक हो गया, तो अभी वो बना रहे हैं, मैं जा रही हूँ नमाज पे, नमाज अदा करके बन गई, बन गई, ये देखो बन दे पन में ए बन गई अल्लाह से एनजी वाला सारे को दे दे जो नमाज में टाइम करे भाई, बाल चबा भाई और बाल चबा भाई ओ बाल ले चलो चल, तो अभी जो है ना वो बहुत ज्यादा तंग कर रहा है। चले मुंशी भैया तो सब बनाओ वाला है, मैं वाला नमाज पढ़िया ना, नमाज तो बनाओ वाला इकट्ठे हैं लोग प्रार्थना जल्दी आ, ठीक है बाबा पढ़ी तो होने तू बना देता, चले जी ओके अभी जो है ना नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद फिर इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होती है, और हमारा हसन जानी भी यहाँ पे बैठा है। अल्हम्दुलिल्लाह मटर जो है ना मुंशी भैया ने और बहन भैया ने दोनों ने मिल के जो है ना निकाल लिए हैं, और मैं नमाज पढ़ के आई तो इन्होंने काफ़ी सारे जो है ना जोड़े हुए थे, मैंने कहा चले आप मटर जो है ना वो जोड़ लें और अम्मी जो है ना अपने काम पे लगी हुई कद्दू छीन रही है। अम्मी का न्यू स्टाइल ये देखें, हम जो है ना ऊपर से छिल रही उतारते हैं ना, हम ऐसे नानी खलड़ी थी कुड़ाई का ना मरते मरते पता हमारे के सब्जी है ये ठंडा भी, इसीलिए तो इनका नाम कद्दू शरीफ रखा गया था। माने तो बड़ा पसंद करेंगे, मानते नहीं नहीं कद्दू का नाम खाते आज पता नहीं मान गया हम मान गए आज उसको कोई तकलीफ हुई होगी इसीलिए वो ठंडी सब्जी ले आए। और उधर अबू जान भी नमाज पर अदा करके माशाल्लाह से आ चुके हैं और मेरे ख्याल में अभी जा रहे हैं पांव धोने, क्योंकि आपको पता है जो हमारी गली में माशाल्लाह से मिट्टी रखी है ना, जितनी सोना बंदा बन के जाए ना पांच मिनट बाद वापस गया उसकी हालत नहीं होते, तो अभी मैंने प्याज जो है ना वो काट दिया, मुझे बिल्कुल रेडी हो गए बस, कोई नहीं घसाना अब जो काम है मैंने आपको करना है, जो आपके लायक था वो मैंने आपको बता दिया और आपने कर दिया, आपका बहुत शुक्रिया। और मटर मुझे दो और मैं यहाँ से चलने वाली करूँ, ये ले मटर ये ले बाजरा इसका मिसाला और काटेंगे, ये थोड़ा थोड़ा रख देंगे मजे की बात है, जिंदगी में पहली बार अम्मी जान कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा प्यास हूँ आज कद्दू में, अम्मी इसकी वजह क्यों हो सकती है क्या? वजह हो सकती है ना, प्याज थोड़ा डालना है तो बहुत डालती है। अच्छा छह बार बना देते हैं। अच्छा प्याज डालना हो तो ज्यादा है वो तो आदमी मैं कम डालती हूँ। अच्छा हाँ इन्हें बस प्याज हो मैंने इतने बेहतरीन खाना ओके अम्मी कोई कई बात मान जाते हैं, जो मानने वाले होते हैं मान लेते हैं, जो नहीं मानने वाले होते हैं वो नहीं मानते हैं। चले जी अभी जो है ना इधर से खाते हैं चावल और मसाले वगैरह भी जल्दी से रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जिनको जरूरत हो दसा है चावल।
चावलों में ये देखे पत्थर भी होते हैं, यही फिर जब पता भी नहीं चलता और खा जाते हैं ना, तो फिर अंदर जाके ये बीमारी पैदा कर देते हैं, पतली बन जाते हैं, गुर्दू में जो है ना बहुत ज्यादा तकलीफ दे होती है ये। अभी मैंने 2 किलो पूरे 2 किलो जो है ना चावल नाप लिए है, मतलब के भर लिए है। अभी इसको जो है ना इसमें करते हैं, नीचे गिराते हैं। चलो जी, अभी इनको जो है ना मैंने भर लिया और मिसाले वगैरह जल्दी से रखते हैं। जब मैं मिसाले भुनाई करना शुरू होंगी तो उसके बाद हम इसको जो है ना भिगो के रखेंगे, पहले जो है ना नहीं भिगो के रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चूल्हे को आग लगा दी है, कढ़ाई ऊपर रख दी है और घी शी हमारा आ चुका है। अभी जो है ना इंतजार की घड़ियां खत्म, और कितने दिनों बाद जो है ना हमने हसन जाने को वा कर दी और इतनी खुशी से वो चला रहा है ना, बहुत ज्यादा हैप्पी है। तो रो रहा था, तंग कर रहा था, हमने कहा इसको वा कर देते हैं तो फिर जब खुश हो जाएगा। बिस्मिल्लाह, कटोरी जो है ना हाथ से छुटक गई है क्योंकि मेरे घी वाले हाथ थे ना, पकड़ा भी हुआ था मजबूत, लेकिन फिर भी छूट गई है। खैर कोई नहीं, घी में ही गिरी है। चले इसको अच्छे तरीके से ब्राउन करते हैं। ओ आ गया है हसन, क्या कर रहे हो गाड़ी? माशाल्लाह से जो है ना बहुत ही प्यारा कलर हो गया है हल्दी दाने से, बहुत प्यारा। और हसन जानी दादो के साथ लड़ाई कर रहा है कि मुझे जो है ना ये छोड़ दो सारी चीजें और मुझे मैं छोड़ दे को चार बार काट चाहता जो भूख ना दे ये लाए मक्का है कट कट के आ रहा है अब हमारी तरफ। मजे की बात है, ये हमने अजमाया हुआ है, जब हम चिकन का मिसाला रेडी करते हैं वो ऐसा नहीं बनता, जब हम चावल का मिसाला रेडी करते हैं इतनी मजे का जो है ना मिसाला तैयार होता है। असल में इसकी वजह है इसमें घी ज्यादा होता है, इसलिए इसका जो है ना बहुत प्यारा कलर आता है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। हसन क्या है? वो ज्यादा हो गया था। ये है धनिया पाउडर, एक कसूरी मेथी, एक धनिया पाउडर, मुझे मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट है, बहुत ज्यादा। आज हम जो है ना चावल अंदाजे पे बनाएंगे क्योंकि नमक का पता नहीं चलना क्या, लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह अंदाजा फुल हो गया है। हम डेली सालन बनाते हैं ना, थोड़ा बहुत कम पा जाते हैं तो पा जाते हैं वरना नहीं। थोड़ी सी रेड मिर्ची ऐड करते हैं और कुछ जो है ना हमारे पास सब्ज़ है ये वाले ऐड करते हैं आज। ना 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 मिर्च मिर्च ने भी ज्यादा पकड़ लिया है। आप देखो आज हम रायता भी बनाएंगे मुंशी साहब। मुंशी भैया, हमारे मुंशी भैया कमरे में छुप गया, उसको पता था कि ये काम बताने वाले हैं। अभी जो है ना दही मंगवाते हैं, हम रायता बनाएंगे। आपको पता है दही के बगैर, रायते के बगैर चावल कुछ भी नहीं। वो आ गए मुंशी भैया, है गाल तो सुन गाल किधर गए? किधर गए? आप ना बताओगे
हमारी ये टूटी फिर गर्म पानी देना शुरू हो गया, हालांकि इसमें कोई सिस्टम भी नहीं लगवाया हुआ, लेकिन फिर भी गर्म पानी देती है। इसका मसला मैं हल कर देती हूँ, आप लोग को बताती हूँ। लग गए ना चार चांद, मुझे कैसा लग रहा है पैर? हसन जली को बहुत ज्यादा शौक है काम करने का, वो कहते हैं जो काम करे मैं उसके साथ साथ लगा रहा हूँ। फाइनली हम अपनी जो है ना मंजिल पर पहुंच चुके हैं, और अभी जो है ना चलाते हैं पैर, इस खड्डे को धोते हैं, क्योंकि बच्चे अभी करके लगाया था ना बच्चों ने, तो वो मिट्टी कर गया सारा। खैर इतनी मिट्टी भी नहीं है, देखें जी इसमें दोबारा से पत्थरी है, इसमें बहुत ज्यादा पत्थर है, जो सड़क पे होते हैं ना पत्थर वो वाला। बिस्मिल्लाह, मेरे जनाब कहते हैं कि ये ना जो बहुत अरसे मतलब जो बहुत अरसे के चावल रखे हुए हो ना, जिसमें बहुत ज़्यादा गंदू हो, तो वो जो है ना बड़े मज़े के और टेस्टी बनते हैं, और वो जो है ना इसीलिए ये गंदू वाले चावल लेके आते हैं। इसमें देखिए इतनी सारे गंदू लगे हुए हैं ना, बहुत ज़्यादा वो मज़ेदार बनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए हम गंदू वाले चावल लेते हैं। और इधर जो है ना आज तो मुंशी जो है ना बहुत सालन बना रहा है। मुंशी सालन नहीं बना रहा, मुंशी मटर पुलाव बना रहा है। मटर पुलाव? हाँ जी, मैं भी खाऊंगा। मोस्ट वेलकम। असलम भाई जो है ना आ चुके हैं और कह रहे हैं कि मटर पुलाव मैंने भी खाना है, तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम, आ जाना जब हम खाना शुरू करेंगे, तो इंशाल्लाह मैं भैया को कॉल कर दूंगी कि खाना रेडी है, आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मसाला बिल्कुल रेडी था और बिल्कुल एंड था, और पानी जो है ना हमने ऐड कर दिया है, क्योंकि हमारे पास 2 किलो चावल है और हम जो है ना 2.5 किलो पानी डालेंगे। एक बार फिर डाल दिए, थोड़ा सा और डालेंगे ताकि बरके नहीं, हाँ बस सही है इतना। और चावल जो है ना मैंने भिगोए हुए हैं, फिर ज़्यादा नहीं डालते क्योंकि पप्पा बन जाएंगे। और अभी जो है ना मैं अभी एक बार ढूंढती हूँ, क्योंकि मैं उससे दम लगाती हूँ, उससे ज़बरदस्त जो है ना दम लगता है, जो कि दम में जो पसीना आता है ना वो चावलों के अंदर नहीं जाता। जब रद्दी अखबार के साथ दम पे दम लगाए ना चावलों को, जो पानी होता है वो रद्दी अखबार के ऊपर जमा हुआ खड़ा रहता है, लेकिन चावलों के अंदर नहीं जाता, फिर इतना मज़े के चावल बनते हैं, बहुत टेस्टी। अभी जो है ना हम आ चुके हैं बाहर गली में, और वो देखें सारी मुर्गियाँ दीवार से झांकियां पा रही हैं कि कब आ रहे हैं हमको कुछ खिलाने के लिए, तो अभी जो है ना चलते हैं उनको घास डालते हैं, और है ना ये यहाँ पे खेत लगी रहेंगी। और ही लाए हो और फिर फाजो 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 पर एकदम घास आ रहे हैं क्या देखो हैं, सारियाँ खुशी से भाग के आ रही हैं कि वाजी वाह हमारे लिए आज घास लेके आई है। चलें जी खाएं, इनको जो है ना घास डाल दिया है, ये खाती रहेगी और खेत जो है ना रखी। तो जी कुकड़ियों को जो है ना मुर्गी को वो घास मैंने डाल दिया, और इसको नखरा चेक करें जी नहीं खा रही, पता नहीं रजी हुई है या फिर जैसे भी है। ये ना मैं मुहैद्दीन भाई के खरगोश हैं, तो उनके जो है ना लिया रखा हुआ था, तो उधर से मैं थोड़ा सा ले आई हूँ, मैंने कहा चलें ये खेत लगी रहेंगी, लेकिन इनको नखरा कुछ ऐसा है कि नहीं खा रही, मुश्ताक देखे एक साइड पर खुद बना के खड़ा हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और माशाल्लाह से हमारा ये पौधा देखे कितनी माशाल्लाह से हो रहा है, और इसका दुख है ये सूख गए हैं, काफ़ी जो है ना पौधे सूख गए हैं और कुछ जो है ना हो रहे हैं। और ये वाला गुलाब का जो फूल है ना, इसने डुड्डी भी उठाई हुई है, और लेकिन आज जो है ना उसने
बिल्कुल कुमाया हुआ है, फूल भी नहीं होने दिया इस। ये सारा मुर्गियों का भंडारा है, उन्होंने सारा पौधे मेरे खराब कर दिया, सुखा दिए, इतनी जबरदस्त हो रहे थे। चले अभी जाना चलते हैं कि पानी जो है ना वो बॉयल हो जाए और हम यहाँ पे खड़े रहे, सूख सूख जाए। और ओ माशाल्लाह, इसमें ईटे वगैरह देनी थी, ये भी दे दिया है मिस्त्री ने आज। वाजी वाह, उधर से बिल्कुल बंद कर दिया गया, ये देखें फुल बंद। अच्छा ये क्या, ये टीयर ऐसे खड़े रहेंगे क्या जी? खड़े रहेंगे, उतारेंगे नहीं? नहीं, शायद तो ये कोई उसका मतलब हो कि ऊपर कोई चढ़े या नीचे ना हो जाए इस वजह से, या वैसे रखी होगी, या क्या पता निकालने भी पड़ जाए। स्पोर्ट जैसे पहले पहले देते हैं कि ऊपर चढ़ेंगे ना तो फिर नीचे ना गिर जाए। खैर मिस्त्रियों का काम है, जैसे भी करेंगे, हमारा क्या, हमें तो बनी बनाई मिलनी चाहिए ना। चले अभी जो है ना चलते हैं अपनी कुकिंग की तरफ। और इस पौधे को जो है ना तोड़ दिया गया है, सारा घर उजाड़ दिया है। मेरे इतना प्यारा मेरा मड हाउस बना हुआ था, कल जो है ना इंशाल्लाह इसकी मुकम्मल सफाई करवाती हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे शिफ्ट होते हैं दोबारा और कुकिंग वगैरह यहाँ पे शुरू करते हैं। अभी दोबारा जो है ना हम आ चुके हैं अपने चावलों की तरफ, और देखते इनको जो है मैंने कहा धो के ले जाएं क्योंकि पानी उबलने वाला है। इसमें दोबारा से पानी वगैरह बहा लेते हैं ताकि जो सफेद वाला पानी इसका निकला हुआ है ना वो भी साफ हो जाए। अभी जो है ना चावल लेके जा रहे हैं अपने किचन की तरफ और देखते हैं पानी बॉयल हो रहा है या नहीं। वैसे देर तो नहीं लगती के बॉयल होने में, लेकिन फिर भी बिस्मिल्लाह उबल रहा है जी, पानी उबल रहा है। मुझे पहले पता था, मैंने कहा ये पानी उबल जाएगा। दूर भी उठाई देना, इतनी मजे के जो है ना आ गया, जैसे अहमद कहते थे ना कि बहुत तेज आ गया, वैसे ही है। पानी डाल के हम मुर्गियों को घास डालने के बाद से उबल रहा था। चावल जो है ना हमने ऐड कर दिए हैं और पता नहीं टाइम जो है ना कितनी हो गया है। अभी फ्रूट भी काटना है, पानी भी बनाना है, सालन भी बनाना है, और सहरी के लिए मैं आज जो है ना आटा भी गूंद के रख दूंगी क्योंकि रात को आजकल मैं सालन बना के रख देती हूँ। सिर्फ रोटी बनानी होती है, फिर जो है ना 3 बजे उठ के रोटी बना देते हैं, तो आज आटा जो है ना मैं गूंद के रख दूंगी, फिर सिर्फ जल्दी जल्दी उठ के रोटी बना के सहरी करके रोजा। अब नमक का पता नहीं चलना क्या नमक। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चावल जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और जो है ना हम पकौड़े बनाना भूल गए और मेरे जनाब जो है गुस्से में बोल रहे हैं। चलो जल्दी जल्दी ना हमारे चावल रेडी हो गए हैं और इसको दम पे लगाते हैं, जल्दी से चावल रेडी करते हैं, सॉरी पकौड़े रेडी करते हैं। आज रद्दी अखबार का दाम नहीं लगाया, आज ऐसे ही लगा रहे हैं। मैं खाला के घर से जाती हूँ, जल्दी कढ़ाई ले आती हूँ और जल्दी से हम बनाते हैं पकौड़े। ये जो है ना बेसन मैंने रेडी करके रखा हुआ है और आलू जो है ना छिली चुके हैं, और जल्दी से मैं कढ़ाई लेके आती हूँ और ये जल्दी से कट करके फिर उसको उतारते हैं और पकौड़े बनाते हैं। तो सिर्फ 1 मिनट मुझे।
अभी जो है ना खाला की कढ़ाई जो है ना मैं लेके आ चुकी हूँ और उसको जो है ना नीचे उतारते हैं और ये कढ़ाई जो है ना जल्दी से चढ़ाते हैं। चलें जी ये जब तक गर्म होता है ना तब तक मैं ये सामान इकट्ठा कर लूं। कल जो मैंने पकौड़े बनाए थे ना अबू जान को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे क्योंकि हम दुकान से लेते थे ना तो उसमें सारा मसाला होता है तो अच्छे नहीं होते और वैसे भी अच्छे नहीं बने होते तो मैंने घर पे कल बनाए हैं पकौड़े तो अबू जान ने माशाल्लाह काफ़ी सारे खाए हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि आज पकौड़े मज़े के बने हुए हैं। तो आज दोबारा से मैंने जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। 3-4 आलू थे हमारी फैमिली को बिल्कुल पूरे हैं बस घी के इंतज़ार है जैसे ही गर्म होता है ना फिर पकौड़े शुरू करते हैं। अभी हमारा घी फुल गर्म हो चुका है आज जल्दी हो गया घी गर्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मजे के पटाखे पटाखे मार रहा है कल इसने आवाजें भी नहीं दी थी आज पता नहीं क्यों दे रहा है आवाजें। एक नजर भी नहीं आती बैठ जाए मुंशी जो है ना फ्रूट अल्हम्दुलिल्लाह नजर नहीं आता बहन ने मैंने दिया क्या क्या करा पुट्ठी छुरी चला रहा हूँ फिर भी खुद गया तो माशा अल्हम्दुलिल्लाह हमने फल फ्रूट लगाने हैं तो इनको ना ऐसे काट के ऐसे इनको साबित लगा देंगे तो एक दिन इनको ना हम रख दें तो खराब हो जाते हैं इनको खाना चाहिए एक ही दिन में तो अभी ना चिलाई करेंगे खरबूजा पुट्ठी पुट्ठी छुरी आ जाती है जल्दी जल्दी से ना पुट्ठी छुरी आ जाती है तो पहला फेज जो है ना हमारा पकौड़ों का रेडी हो चुका है और अभी जो है ना इसकी बारी आ चुकी है बाहर निकलने की इसने काफी नहा लिया है और अभी औरों को नहलाते हैं। अभी ये निकले निकले बिल्कुल छोटे छोटे से अभी सारे डाल देते हैं। थोड़ी चलो कल ना पानी कुछ कम हो गया था कटोरी
अल्हम्दुलिल्लाह पकौड़े हमारे बिल्कुल रेडी है, दस्तरखान जो है ना वो भी लग चुके हैं। और अभी मैं जा रही हूँ असलम भाई के घर ये थोड़े से फ्रूट लेके, क्योंकि आज जो है ना उनको भूल गए, वो नहीं लेके। मुखलिस भाई के नाम का है कि वो जाएंगे ले आएंगे, लेकिन वो मेरे ख्याल में भूल गए भी थे। और बिरयानी भी लेके जाती हूँ, वो भी देती आऊँगी भाई को। अच्छा तो जी अभी जो है ना टाइम बिल्कुल कम रह गया, और हम जल्दी से जाते हैं भाई लोग के घर, और चावल जो है ना वो देख के आती हूँ मैं। हम असलम भाई के गेट पे पहुंच चुके हैं, और इतना सारा गंद पड़ा हुआ है, ये देखें। घर ले घर हो। हमने दस्तरखान लगा दिया, ये आप लोग के लिए फ्रूट और ये मटर पुलाव। ओके शुक्रिया। हम उधर जा रहे हैं, हम तारी करें तो बैठ नहीं, उधर हमारे तारी जो है ना लाइब्रेरी है, लेट हो रहे हैं। चलो ओके ठीक है, मैं पानी का देख के। चले जी ये दे दिया, और अभी जाना हम दोबारा वापसी रवाना होते हैं, तो आप सब ने हमारे साथ रहे थे, क्योंकि टाइम बिल्कुल कम रह गया, और अबू जान जो है ना खत्म शरीफ पा रहे थे आज। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाह इलहम्द। जमीन कलां दा सवाब, कुरान पाक दी आयतें दा सवाब, चावलां दा सवाब, पकौड़ां दा सवाब, मेवाजात खरबूजा दा सवाब, माल्टें दा सवाब, पेंड दा सवाब, पानी दा सवाब, तोहफा कन हजिया कन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रूह पाक सवाब पहुंचे ना, या अल्लाह कबूल फरमा तमाम असाबे ताबे ताबे तमाम दे रूह, या अल्लाह कबूल फरमा माता कन शहादा दे रूह पाक सवाब। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम रुबाया हुक्मरानों का सवाब पहुँचना, या अल्लाह कबूल फरमा। बिलखसूस हज़रत पीरान पीर बादशाह मासूबानी अब्दुल कादिर जिलानी की रूह को मेरा अल्लाह सवाब पहुँचा तो नवाज दोनों सोने वाले वाले पर दर्शन कर मेरा अल्लाह हक रहमत फरमान मन लोगों को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना اللهم ربنا واتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين يا الله اے نام روزے دی افطاری دے میرا مولا اپنے بار بار مدد فرما میرے مولا جو کچھ ہے سامنے میرا اللہ تو جانی جانی میرا اللہ نیک لوگ نے صد کے سارے تمام گھرے دے رحمت دے نزول فرمایا اللہ فرمایا کوئی لو پیش نہ دے میرا اللہ سبحان ربنا تکبر منا کنت سلا تمام لا الہ الا اللہ ما شاء اللہ ہر چیز بسم اللہ अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी जो है ना हमने कर ली है, और अफ्तारी है अफ्तारी, और अभी जो है ना हम जा रहे हैं मुखलिस भाई, मुहैद्दीन भाई और अकरम भाई के घर चावल देने। और रोज़े मतलब कि अफ्तारी से पहले जो है ना हम नहीं दे सके, थोड़ा लेट हो गए हैं, कोशिश तो बहुत की है लेकिन नहीं पहुंच पाए। जैसे मैंने चावल प्लेटों में डाला अजान होने शुरू हो गई तो हम नहीं जा पाए, तो अभी जो है ना हम लेके जा रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मुंशी साहब मुंशी और हसन की लड़ाई है आपस में, और हम जा रहे हैं मुंशी तू जान हसन जाना सब में फैमिली जो है ना अकरम भाई के घर पहुंच चुके हैं, और मैंने मुंडे पे जो है ना उठाया हुआ ट्रे, और मेरे ख्याल में इनकी कुंडी है ओ तेरी अरे देखो ओ ओ अरे देखो तारी क्रिया में दीवार से तू जाते मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह घर आले घर हो अकरम भाई बैठे हैं, और वसीम बेटा जो है ना वो भी है मेरे ख्याल में। अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
खैर है, सोचो में बैठे हैं, बाहर हम आए और वहाँ पे खड़े हुए थे ऐसे एक जगह पे जो है ना देख रहे थे, और अब भी आए हैं फिर भी ऐसे, कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ये लें, अभी जो है ना हम आ चुके हैं मुकुल भाई वालों के घर, और मेरे ख्याल में घर नीचे तो कोई नहीं है, और हम ऐसे करते हैं यहाँ से प्लेट लेते हैं ऊपर चलते हैं, सारी ट्रे दोबारा ले जाएं फिर ले आएं, बड़ी मुश्किल है। ओके भैया थैंक यू बताने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बरहमतुल्लाह बरकातहू। यूं कंधे तो दे रख रहा है मैं। अभी क्या हाल है? मैं देख रहा था पता नहीं भाभी सब्बा पता नहीं क्या क्या बांट रही है। जाते थे असलम जिरादा घर पाती था मैं। मैं के मेरा उधर मामा ये पता था कुछ देने आई है। अच्छा बट ये नहीं पता था कि ये जो है ना माशाल्लाह चावल देने जबरदस्त है। अच्छा टेस्ट करके बता देना मेरे बहन भाइयों को। बड़े वाला है कच्ची कनात है। कच्ची कनात है कौन सही बने जबरदस्त थोड़े ये भुनाई के टाइम डाला था फिर भी नहीं गले। असल में करीबन एक हफ्ता हो गया ये रखे हुए थे सूखे हुए थे शायद इसी वजह से, और दूसरा पक्के भी हो गए हैं ना इसी वजह से नहीं गले, लेकिन कोशिश करी थी। हाँ सही है माशाल्लाह। अगर चावल ना बनाते तो हमारा एक किलो मटर जाया जाता था, फिर आज ग्यारहवीं शरीफ का खत्म भी दिलवाना था तो मैंने मटर चावल बना दिया। सही हो गया जी सही। चलें जी इधर भी दे दिया है, और अभी जो है ना चलते हैं वापसी, और प्लेटें जो है ना वो उठा के जाते हैं क्योंकि डेली का काम है यही, फिर दोबारा ना आना पड़े। ये ले थैंक यू। ओके जी हमें इजाजत, बैठे तो आ जाए गप्पे लगाते हैं। नहीं अभी नमाज अदा करनी है, दूसरा हसन जानी और मुंशी की लड़ाई है आपस में। हाँ मामू आ जाना उधर, झगड़ा हो रहा है। क्यों लड़ाई है मुंशी की? वो हसन जानी और मुंशी की डेली बेसिस लड़ाई होती है। हाँ हसन जानी और मुंशी की हमारी तो नहीं हुई हाँ बिल्कुल। और अभी जो है ना घर जा रहे थे मुइयुद्दीन भाई, यहाँ पे आ गए भाई, हम आपके घर जा रहे थे। चावल बस ये दे के आ जाओ, मैं इधर काम जो हाँ घर दे दो। चलें अभी जो है ना घर चलते हैं, और ये चावल जो है ना घर वालों को दे देते हैं, भैया जो है ना वो कहीं पे काम जा रहे हैं, फिर जैसे भी होगा ना इंशाल्लाह। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम फाइनल हो चुका है, और अभी जो है ना सिर्फ बर्तन वगैरह इकट्ठे करने हैं, और मैंने बनाना है सालन सहरी के लिए, तो मिसाले वगैरह और टमाटर जो है मैंने काट दिए हैं, और कद्दूमी जो है काट दिए थे, बाकी प्याज काट लिए, ये काट के मैं सालन बनाती हूँ सहरी के लिए, क्योंकि फिर सालन बना रखा होता है ना फिर तसल्ली होती है, कभी लेट जाग होती है कभी टाइम से पता नहीं चलता। तो अभी जो है ना इस व्लॉग के साथ मुझे हमें जो है ना इजाज़त है, इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, साबिन भाई जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।